हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या होता है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ एक ऐसा मॉडल बनाने की जो कि मुझे बताए कि सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट बॉल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं जिसको वो देखता है वो बहुत कम है। तो सबसे पहले मैंने जो मॉडल बनाया वो सिर्फ एक फीचर को देखता है, जो कि है कि सामने वाली चीज़ स्फेरिकल है कि नहीं, यानी कि सामने वाली चीज़ गोल है या नहीं। तो अब मैंने ऐसे एक मॉडल बना दिया। अब मैंने उसको सपोज एक बॉल दिखाया तो ये इसको ढंग से प्रिडिक्ट कर लेगा कि ये बॉल है, क्यों? क्योंकि ये स्फेरिकल है। मगर अब मैंने इसे कोई और चीज़ दिखाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एक लेमन दिखाया तो ये इसको भी बॉल मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि ये भी स्फेरिकल है। अब सपोज मैंने इसको एक टमाटर दिखाया तो अब क्योंकि ये भी स्फेरिकल है तो ये इसको भी बॉल मान लेगा। तो क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो मैंने अभी दिखाई ये स्फेरिकल है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो भी गोल मटोल है उनको बॉल मान लेगा, चाहे वो बॉल हो या नहीं। तो ये एक बड़ा ही बेकार मॉडल है, बड़ा ही बायाद मॉडल है, ये ढंग से काम नहीं करता है। और इस तरह की चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो अंडर फिटिंग से। अभी अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग क्या होता है आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ऐसे समझो कि अंडर फिटिंग ऐसे ही कुछ होता है। तो ये है एग्जाम्पल अंडर फिटिंग का। अब मैंने अपनी गलती से सीखा और मैंने कुछ और फीचर ऐड कर दिए ताकि ये वाली अंडर फिटिंग वाली गलती मेरी रिपीट ना हो। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारे और पैरामीटर डाल दिए। मैंने डाल दिया कि सामने वाली चीज़ गोल है कि नहीं, यानी स्फेरिकल है कि नहीं, उस चीज़ को आप खा सकते हो या नहीं, यानी कि इनएडिबल है, मतलब कि अगर बॉल है तो उसे आप खा नहीं सकते, यानी कि इनएडिबल है। तीसरी चीज़ कि आप उसके साथ खेल सकते हो। और चौथी चीज़ कि उसका कलर क्या है। कलर मैंने इसमें सपोज मैंने फीचर में डाल दिया रेड, यानी कि जो भी चीज़ है वो स्फेरिकल है, उसको आप खा नहीं सकते, उसके साथ खेल सकते हो और वो लाल रंग की है, तो वही बॉल होगी। मैंने ऐसे कोई मॉडल अपना बना दिया। तो अब मैं सपोज करता हूँ अपना ये दिखाऊं, सपोज मैं अपना लेमन रखता हूँ अपने मॉडल के आगे, तो अब ये स्फेरिकल है, तो यानी कि ये पहला फीचर को सेटिस्फाई कर रहा है, मगर ये एडेबल है, आप लेमन को खा सकते हो, तो इसका मतलब इसने दूसरा फीचर को सेटिस्फाई नहीं करा और आप खाने की चीज़ का खेल भी नहीं सकते, तो ये प्लेएबल भी नहीं है। तो इस तरह क्योंकि ये कुछ फीचर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इस वजह से लेमन मेरा बॉल नहीं होगा। दूसरी चीज़ लेते हैं, अब सपोज टोमेटो लेते हैं, ये स्फेरिकल है, इसे आप खा सकते हो और इसके साथ खेल भी नहीं सकते हो, तो ये है कि ये भी कई फीचर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको भी मॉडल हमारा बॉल नहीं मानेगा। मगर अब मैंने इसको एक असली बॉल दिखाई, फॉर एग्जाम्पल ये वाली बॉल दिखाई, ये स्फेरिकल है, आप देख सकते हो कि ये स्फेरिकल है, इसको खा भी नहीं सकते हैं, इसके साथ खेल भी सकते हैं, मगर मेरी बॉल का कलर तो येल्लो है और मॉडल के अंदर तो मैंने रेड स्पेसिफाई कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ मैंने रेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? अब क्योंकि ये रेड नहीं है तो ये इसको भी बॉल नहीं मानेगा, सिर्फ क्योंकि ये रेड नहीं है ये इसको भी बॉल नहीं मानेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरफिटिंग। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आप उसको रिलेट कर सकते हो ओवरफिटिंग से, यानी कि हम लोग इसके अंदर इतने सारे फीचर्स पे हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं कि वो जनरलाइज नहीं होता, वो कुछ ही चीज़ों को देखता है और उन्हीं पे वो ध्यान देता है। यानी कि अगर ट्रेनिंग डेटा मैं दे रहा हूँ तो उस पर वो बहुत ढंग से काम करेगा, लेकिन टेस्टिंग की बात आती कोई रैंडम सी चीज़ दूंगा, कोई भी अलग से मैं इसको चीज़ दे दूंगा तो मॉडल उसको पहचान नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल मेरा जनरलाइज नहीं है। और यही चीज़ मेरा एग्जाम्पल है ओवर फिटिंग का, वो ये वाला जो है मेरा है एग्जाम्पल ओवर फिटिंग का। अब मैंने फिर से अपनी गलती से सीखा, अब मैंने जो यूजलेस फीचर है मैंने उसको हटा दिया। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने कलर स्पेसिफाई करा था कि हर एक बॉल रेड कलर की होती है, मैंने उस वाले फीचर को यहाँ पे हटा दिया इस वाले थर्ड केस के अंदर। तो अब मैंने रखा है स्फेरिकल, इनएडिबल और प्लेएबल। तो ये जो बॉल है ये मेरी स्फेरिकल है, इसको खा भी नहीं सकते हैं और इसके साथ खेल भी सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा मॉडल एक्यूरेट है, ये ढंग से बता देगा कि हाँ ये बॉल है। अब मैंने कोई और रंग की भी बॉल रखी तो ये उसको बॉल मान लेगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं इस थर्ड केस को कि ये एग्जांपल है गुड मॉडल का, यानी कि बैलेंस्ड मॉडल का। तो ये तीन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, पहला है अंडर फिटिंग, दूसरा है ओवर फिटिंग और तीसरा है गुड या फिर बैलेंस्ड मॉडल। तो अगर फिर से हम लोग रिपीट तो अगर मैं फिर से रिपीट करूं तो ओवरफिटिंग वो चीज़ होती है, वह ऐसा मॉडल होता है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है ट्रेनिंग डेटा पे। उसको ट्रेनिंग डेटा पे हम लोग इतने अच्छे से ट्रेन करते हैं कि वो ट्रेनिंग डेटा पे बहुत हाई एक्यूरेसी देता है, मगर
टेस्टिंग डेटा की बात आती है, किसी रैंडम डेटा की बात आती है, तो वहां पे उसकी परफॉर्मेंस एकदम गिर जाती है, उसकी एक्यूरेसी बहुत बेकार होती है। ओवरफिटिंग में जो मॉडल होता है वो जनरलाइज नहीं होता, यानी कि वो किसी जनरल डेटा को नहीं देख सकता, वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से सेट होता है, स्पेसिफिक फीचर वाली चीजों पे ही सेट होता है। और अगर आपको बायस और वेरियंस को कॉन्सेप्ट पता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो ओवरफिटिंग के अंदर हमारा हमारा जो वेरियंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और जो बायस होता है वो बहुत कम होता है। अंडरफिटिंग की बात करें तो ये तो बिल्कुल ही बेकार मॉडल होता है, जो कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों तरह के डेटा पे बहुत ही बेकार परफॉर्म करता है, इसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं और ये मॉडल मतलब ढंग से काम ही नहीं करता है, ये हर जगह एक्यूरेसी बहुत कम देता है। और इसका जो वेरियंस और बायस के टर्म्स में बात करें तो इसमें जो वेरियंस होता है वो बहुत कम होता है और बायस बहुत ज्यादा होता है अंडरफिटिंग के केस के अंदर। थोड़े आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लें ताकि आप ढंग से समझ पाओ। तो सपोज कर मैंने यहाँ पे दो ग्राफ लिए हैं, अगर मैं पहले के केस की बात करूं तो यहाँ पे जो तीनों ग्राफ हैं इसमें जो ब्लैक डॉट्स हैं, जो आप ब्लैक डॉट्स देख रहे हो, ये मेरे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे डेटा पॉइंट्स को। ओवरफिटिंग क्या करेगा, वो हर एक डेटा पॉइंट को फिट करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले केस की, तो सपोज ये मेरे सारे डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पे सारे, तो ये हर एक डेटा पॉइंट को फिट करने की कोशिश करेगा, हर एक डेटा पॉइंट को। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर टेस्टिंग डेटा आया, मान लो कि कोई और मेरा सपोज रैंडम डेटा पॉइंट यहाँ है, तो ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर पाता। अब सपोज यहाँ पे ये zigzag जा रहा है तो अभी ये आगे कुछ ऐसे जाएगा, तो इस तरह से जो मेरे फिर मैं टेस्टिंग डेटा इसको दूंगा रैंडम, तो वहां पे इसकी एक्यूरेसी बहुत गिर जाती है। ट्रेनिंग पे मतलब नो डाउट इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, लेकिन टेस्टिंग के टाइम पे ये पीछे हो जाता है। अगर मैं अंडरफिटिंग की बात करूं तो यहां तो मॉडल को कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो अपनी धुन में चलता है। तो अगर यहां पे सपोज मेरा ऐसे मतलब ये सारे जो मेरे डॉट लगे अंडरफिटिंग के केस के अंदर, तो मेरा मॉडल कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं, ऐसा सपोज कुछ मतलब नहीं है, उसकी एक्यूरेसी ट्रेनिंग टेस्टिंग दोनों में बेकार होती है। लेकिन जनरलाइज मॉडल की अगर बात करें तो वो हर एक डेटा पॉइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करता, मगर हर एक डेटा पॉइंट को छोड़ता भी नहीं है, वो परफेक्ट बैलेंस बना के चलता है ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग केस का। तो ये जो मेरा बीच वाला है, ये है मेरा एग्जांपल एक गुड मॉडल का, एक अच्छे मॉडल का। अब हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अलग केस का। मैंने ऊपर वाला रिग्रेशन का लिया, तो अब क्लासिफिकेशन से भी देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरे तीन है ग्राफ, तो मुझे सेपरेट करना, मुझे एक ऐसा मॉडल बनाना है जो कि सेपरेट कर सके, क्लासीफाई कर सके मेरे इन क्रॉस वाले डेटा पॉइंट्स को और ग्रीन वाले जो मेरे सर्कुलर डेटा पॉइंट्स हैं डॉट्स को। तो ये कुछ भी हो सकता है, क्रॉस मेरा किसी सपोज कैट को रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल मेरा डॉग को रिप्रेजेंट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली क्लासिफिकेशन के ग्राफ हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्रॉस और सर्कल का यूज करा है। ओवरफिटिंग क्या करेगा, वो हर एक चीज को परफेक्टली ढंग से ट्रेनिंग डेटा को जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उन सबको ढंग से फिट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा मॉडल कुछ ऐसा दिख सकता है, इस तरह से कुछ क्लासिफाई कर सकता है वो, ऐसे हर एक ग्रीन पॉइंट को कोशिश करेगा कि वो ढंग से उसके अंदर आ जाए ऐसे। तो आप देख सकते हो मतलब कितना ज्यादा यहाँ पे मतलब वेरियंस मेरा इतना ज्यादा हो गया है, मॉडल बहुत कोशिश कर रहा है कि वो ट्रेनिंग डेटा को ढंग से फिट कर सके। तो इसी वजह से कभी भी कोई टेस्टिंग डेटा मिलेगा कोई रैंडम, तो ये मॉडल उसे ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। मगर अगर मैं अंडरफिटिंग की बात करूं तो यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा केस है, मेरा अगर कुछ ऐसा जा रहा है तो मेरी लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी अंडरफिटिंग के केस में, कुछ मॉडल को मतलब नहीं है। लेकिन बैलेंस मॉडल वो होगा जो ढंग से क्लासीफाई कर पाएगा। तो अगर मेरे ये ऐसे पॉइंट है तो मेरा मॉडल कुछ ऐसा होगा। बैलेंस मॉडल बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, नो डाउट वो परफेक्ट नहीं होता, मगर उसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग की एक्यूरेसी में एक बहुत अच्छा बैलेंस होता है, उसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी दोनों अच्छी होती है। ओवरफिटिंग के केस के अंदर मेरी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होती है लेकिन टेस्टिंग बहुत बेकार होती है। अंडरफिटिंग में ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों बहुत बेकार होती है, मगर जो गुड मॉडल होता है उसकी दोनों चीजें अच्छी होती हैं, ठीक होती हैं। अगर मैं इसको एक और एरर कॉम्प्लेक्सिटी का मैं ग्राफ बनाऊं, तो अगर सपोज करते हैं ये जो मैं डॉट है ये मेरा रिप्रेजेंट करता है टेस्टिंग एरर को, यानी कि मैं मॉडल को ट्रेन कर रहा हूं तो उसका प्रिडिक्शन एरर टेस्टिंग डेटा पे क्या आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरा एरर कम होता जाएगा, प्रिडिक्शन एरर कम होता जाएगा। मगर एक लिमिट के बाद, एक थ्रेशोल्ड के बाद मेरी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाएगी कि उसके बाद प्रिडिक्शन एरर कम नहीं होगा, प्रिडिक्शन एरर मेरा बढ़ता जाएगा टेस्टिंग डेटा के केस के अंदर। तो ये मेरा ऐसे जाएगा वापस मेरा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेनिंग डेटा पे, तो ट्रेनिंग डेटा का सपोज यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं,
तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मॉडल को ट्रेन करूंगा, प्रिडिक्शन एरर कम होगा, 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 और जीरो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकती मॉडल की एरर, बट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब आप यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख सकते हो इस पॉइंट पे मेरा, इस पॉइंट के बाद मेरा जो प्रिडिक्शन एरर है टेस्टिंग डेटा में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ। इस लाइन के लेफ्ट में जितनी भी चीजें, जो भी दुनिया में चीजें हैं इस पॉइंट के लेफ्ट में, वो सारा मेरा अंडरफिटिंग को बिलोंग करता है, ये मेरा ओवरफिटिंग को बिलोंग करता है, और जो लाइन है ये मेरा परफेक्ट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब बारी आती है कि हम लोग ओवर फिटिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं ओवर फिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ मैंने सारी लिस्ट दे रखी है। तो हम लोग जैसे क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हैं, यानी कि हमारा, हम लोग जो ट्रेन डेटा उसमें मल्टीपल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर सकते हैं, अपने ट्रेन डेटा पे ज्यादा डेटा पे ट्रेन कर सकते हैं, ताकि जो मेरा मॉडल है उसको ज्यादा वेरिएशन देखने को मिले, ज्यादा फीचर्स देखने को मिले, ज्यादा पैटर्न्स नोटिस करने को मिले, जिसकी वजह से मेरा डेटा ढंग से, मेरा जो मॉडल है ढंग से ट्रेन हो सके। जो अननेसेसरी फीचर हैं उनको रिमूव कर सकता हूं मैं, जो फीचर मेरे को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, जो यूजलेस फीचर हैं, जो फालतू में मेरे मॉडल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उनको मैं हटा सकता हूँ। रेगुलराइजेशन टेक्निक लगा सकता हूँ, L1 L2 जैसे, एनसेम्बलिंग टेक्निक्स का यूज कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं अर्ली स्टॉपिंग कर सकता हूँ, यानी कि जो मैंने अभी पीछे ग्राफ बनाया था ना एरर का, मैंने जो ये वाला ग्राफ बनाया था, तो इसमें आप देख सकते हो जो मेरा प्रिडिक्शन एरर है वो मेरा बाद में टेस्टिंग डेटा पे बढ़ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब मेरा एरर बढ़ना स्टार्ट हो उससे पहले ही मॉडल की ट्रेनिंग को रोक दो। इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो प्रिडिक्शन एरर वो कम है और बढ़ेगा भी नहीं टेस्टिंग पे। तो इस तरह मैं अर्ली स्टॉपिंग भी कर सकता हूँ ओवर फिटिंग के केस के अंदर। अगर मैं अंडर फिटिंग को प्रिवेंट करने की बात करूं कि अंडर फिटिंग को मैं कैसे हटाऊं, तो मुझे क्या करना होगा, ज्यादा डेटा पे ट्रेन करना होगा, ताकि मॉडल को ज्यादा पैटर्न नोटिस करने को मिले, वो ज्यादा फीचर्स पे ट्रेन कर सके, ज्यादा चीजें देख सके। हम लोग वो अंडर फिटिंग में क्या होता है, मॉडल ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुई, तो हम लोग थोड़े और फीचर ऐड कर सकते हैं, थोड़े और पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, और अगर इन दोनों से काम नहीं बन रहा तो कोई और मॉडल ढूंढ लो, मतलब कोई और एल्गोरिथम ढूंढ लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।